हेलो स्टूडेंट्स, बिरला स्कूल आपका स्वागत करता है। आज हम सभी क्लास फिफ्थ के कार्य पत्रिका 20 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें क्या करना है, जो शब्द दे रखे हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फर्स्ट दे रखा है जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वन, कानन और अरण्य। सेकेंड दे रखा है प्रयत्न, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कोशिश, प्रयास और यत्न। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, अंबर और आसमान। गंगा का पर्यायवाची शब्द देवनदी, भागीरथी और मंदाकिनी। अध्यापक का पर्यायवाची शब्द गुरु, आचार्य और शिक्षक। क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, विलोम शब्दों का सही मिलान करना है। महंगा, महंगा का विलोम शब्द क्या होगा, सस्ता। प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा। गुण का विलोम शब्द अवगुण। आदान का विलोम शब्द प्रदान और उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थों में वाक्य लिखिए। ये जो दे रखा है इनके दो अर्थ निकालने हैं और दोनों अर्थों से संबंधित हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। काला, कृष्ण। देवकी के पुत्र का नाम क्या था, कृष्ण था। जब इसको हमने रंग के का अर्थ लिया, तो रंग का जब यहां पे अर्थ लिया तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हुआ, मेरे पास काले रंग की चादर है। फिर सेकेंड डेटर का लाल, लाल एक रंग और लाल को क्या कहते हैं, बेटा भी कहते हैं। तो मोहन ने लाल रंग की कार खरीदी। सेकेंड है बेटा, यशोदा का लाल बहुत नटखट है। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिख कर शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है, ये शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ लिखने हैं और दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अब यहां पे दे रखा है सूत और सूत। सूत का अर्थ क्या होता है, धागा, और एक सूत का अर्थ क्या होता है, बेटा। सेकेंड दे रखा है दीन और दिन। दीन, दीन का अर्थ क्या होगा, गरीब, और ये दिन का अर्थ दिवस। थर्ड है मूल्य, मूल्य का क्या होगा, कीमत और मूल, मूल का अर्थ क्या होगा, जड़। बाघ, 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 बाघ क्या है, एक पशु है और बाघ मतलब बगीचा। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है हमें। फर्स्ट है जो पूजा करता हो उसे क्या कहते हैं, पुजारी। जो आज्ञा मानता हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञाकारी। जो आदर के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, आदरणीय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।